अयोध्या पहुंचे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जय श्री राम के नारे लगाए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ और फिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक जमीन भी ले रखी है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं आप मुंबई में रहते हैं, यहां आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक बढ़ाया जाएगा। तो बाबूजी हरिवंश राय बच्चन ने एक बात कही थी। एक कहावत है, अवधि में हाथी घूमे गांव गांव, जेके हाथी वही के नाव। ये सच है, हम इलाहाबाद में रहे हैं, कोलकाता में रहे, दिल्ली में रहे और मुंबई में रहे, लेकिन जहां कहीं भी रहे कहलाए गए छोरा गंगा किनारे वाला। दरअसल अयोध्या पहुंचे अमिताभ बच्चन ने रामलला का दर्शन किए और उसके बाद शहर के सिविल लाइन स्थित एक ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन भी किया। जब हम कई जगह जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक बढ़ाया जाएगा जी। तो बाबूजी ने हमको एक बार छोटी सी एक चीज बताई थी, वो अवधि में, क्योंकि हमारी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में और उसके बाद हम दिल्ली रहे, कलकत्ता रहे, मुंबई में रहे। उन्होंने कहा कहाँ आपका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश से, तो वो कहते थे कि एक कहावत है अवधि में कि हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी होकर नाव। ये सच है कि हम इलाहाबाद में रहे, कलकत्ता में रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, लेकिन जहां कहीं भी रहे कहला गए छोरा गंगा किनारे वाला। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको एक बार फिर जोरदार से कहता हूं जय श्री राम, जय श्री राम,